नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। मैं अभी आप लोगों को एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने वाला हूं जिनको देख करके आप चौंक जाइएगा। द ग्रेट खली बिहार। जी हां, मैं सच कह रहा हूं। आप इस शख्स को देखिए, उसके बाद आप खुद ही अनुमान लगाइए कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही। देखा आपने, ये रवि कुमार सिंह है, पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले के नौतन प्रखंड के खाप टोला के रहने वाले हैं। और रवि कुमार सिंह मोटरसाइकिल को तो अपने हाथों में उठा करके ऐसे घुमाते हैं जैसे लगता है कि छोटे बच्चों की साइकिल है। लेकिन रवि कुमार सिंह मोटरसाइकिल को उठाते ही नहीं है, उसे उठा करके घूमने लगते हैं। और तो और, रवि कुमार सिंह ट्रैक्टर को अपने दोनों हाथों में लेकर के आगे की ओर बढ़ चलते हैं। वही नहीं, आप ये भी देख सकते हैं कि रवि कुमार सिंह 100 किलो की वजन को अपने दांतों में उठा करके ऐसे आसानी से ऊपर खींच लेते हैं जैसे लगता है कि बहुत ही हल्का फुल्का कोई गेंद वगैरह है। ये बिहार के खली हैं और भारत के द ग्रेट खली के चेले हैं। जी हां, आप पूरी वीडियो को देखिए और खुद ही जानिए कि रवि कुमार सिंह कितने बड़े पहलवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के बड़े बड़े पहलवानों को अब तक पटखनी दी है। रेसलिंग का शौक तो मैं बचपन से रखता था, जैसे कि रेसलिंग हो गया, मैं अपने पिताजी से देख करके सीखता था। लेकिन मैं सोचा कि ऐसे करने से कोई काम नहीं चलेगा, अपने जा करके अपने बिहार का नाम रोशन करना है। अपने वर्ल्ड में जैसे द ग्रेट खली ने इंडिया का नाम रोशन किया, वैसे ही मैं इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ वर्ल्ड में। ऐसे सोच करके मैं CW एकेडमी जो जालंधर में है उसी में जाकर ट्रेनिंग लेता था आज से 7 महीने पहले। तो वहाँ जाकर ट्रेनिंग चालू किया। कौन देते हैं ट्रेनिंग वहाँ? हाँ, ट्रेनिंग कौन देता है वहाँ? वहाँ ट्रेनिंग हमारे द ग्रेट खली गुरु जी हैं, वही ट्रेनिंग देते हैं। उनसे मैं ट्रेनिंग लेकर के फाइट लड़ता हूँ। लगभग मैंने 22 फाइट लड़ा जिसमें से 16 मैच मैंने जीत चुका है, जिससे कि बांग्लादेश से होगा या फिर नेपाल, पाकिस्तान, कर्नाटका, तमिल, पंजाब, ऐसे ऐसे करके रेसलरों को मैंने हराया हुआ है। और क्या आगे करने का क्या इरादा है? क्या आगे करने का यही है कि जो WWE आप लोग देखते हैं उसी में जा करके और अपने इंडिया को प्रेजेंट करूँ, अपने इंडिया की ओर से लड़ूँ और इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड में। और आप ये भी जान लीजिए कि रवि सिंह का डाइट क्या है भाई। रवि सिंह सुबह से लेकर के रात तक कितना बड़ा डाइट लेते हैं, 2 लीटर दूध, 1.5 दर्जन केले और 30 अंडों से ये नाश्ता करते हैं। उसके साथ मेवे भी होते हैं और दोपहर में 2 किलो चिकन और चावल खाते हैं, फिर रात में 2 लीटर दूध, मटन 2 किलो और बहुत कुछ। क्या डाइट क्या है आपका? डाइट जैसे मैं रेसलिंग करता हूँ उस हिसाब से मेरा डाइट भी है। जैसे कि मैं सुबह जगता हूँ तो फ्रेश होकर के और मैं 30 अंडे उबाल कर लेता हूँ, उसके बाद काजू किशमिश अखरोट ड्राई फ्रूट में और जैसे केला हो गया, दूध हो गया, या फिर ये सब पीता हूँ। उसके बाद 12 और 11 के बीच में मैं खाना बना लेता हूँ, जैसे कि 2 kg चिकन और 20 से 25 रोटी होता है। ऐसे करके शाम में 1.5 kg चिकन और चावल होता है और वही काजू किशमिश दूध लेता हूँ। कितना दूध लेते हैं? दूध में एक टाइम 1.5 से 2 लीटर, ऐसे करके मैं 2 टाइम 4-5 लीटर ले लेता हूँ। केला कितना दर्जन खाते हैं? केला 1 दर्जन एक टाइम, 1 दर्जन एक टाइम, 2 दर्जन एक दिन में। रवि कुमार सिंह ने नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में वहां के बड़े बड़े पहलवानों को जीत करके बहुत ख्याति प्राप्त की। उसके बाद एक बार 12 लीटर माजा इन्होंने पिया, जिसकी चर्चा सुन करके खली भी प्रभावित हुए और इनको द ग्रेट खली ने माजा बॉय का नाम दिया और द ग्रेट खली ने भी इनको ट्रेंड किया। उससे पहले
रवि कुमार सिंह पंजाब के जालंधर में CW जो सेंटर है पहलवानों के लिए उसमें उन्होंने प्रशिक्षण ली, लेकिन द ग्रेट खली से ये काफी प्रभावित हैं और आगे चल करके WWE में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ अभी ये प्रशिक्षण ले रहे हैं और अपने पहलवानी को अंजाम दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। आपने अभी तक देशवा न्यूज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।